गुड इवनिंग बच्चों, आज हमको पढ़ना है फोटोसिंथेसिस का सेकंड पार्ट, जिसको हम अप्रकाशिक अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसको हम अप्रकाशिक अपक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया प्रकाश रहे या ना रहे तब पर भी होता है। ये फोटोसिंथेसिस का दूसरा पार्ट हम पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पार्ट हमने डाल दिया है, आप वीडियो देख लेंगे। सेकेंड पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्ट में बनाया गया, मतलब फोटोसिस्टम फर्स्ट में, या सॉरी फोटोसिस्टम फर्स्ट नहीं, जो फोटोसिंथेसिस का फर्स्ट पार्ट था, जिसको हम पीएस फर्स्ट के नाम से, पीएस फर्स्ट तथा पीएस सेकेंड के नाम से जान रहे थे, इनमें हमने कुछ एनर्जी बनाई थी। क्या बनाई थी? एनर्जी। वो एनर्जी क्या था? एटीपी थे और एनएडीपीएच प्लस एच प्लस था। तो इस यहां पर जो डार्क रिएक्शन है, इसी फर्स्ट का जो मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट, या उसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, लाइट रिएक्शन का जो एनर्जी या हमने इसे इलेक्ट्रिक पावर बनाया था, उसका इस्तेमाल करके जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे, ग्लूकोज के रूप में लिखेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे ताकि लिखने में आसानी हो, ठीक है। तो आगे चलिए, इसको हम बोलते हैं प्रकाशिक क्रिया कहते हैं, सॉरी अप्रकाशिक क्रिया कहते हैं। डार्क रिएक्शन को हम अप्रकाशिक अपक्रिया कहते हैं। इसका कुछ नाम और है, देखिए, इसको हम ब्लैक मैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, अपक्रिया के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज मेल्विन केल्विन ने किया था, इसके लिए इसको हम केल्विन साइकिल के नाम से जानते हैं। इसी को बच्चा एक नाम और दिया जाता है, क्या? C3 साइकिल। क्या नाम देंगे? C3 साइकिल। देखिए, जो C3 साइकिल का अध्ययन किया गया, C3 साइकिल का अध्ययन सबसे पहले किसमें? क्लोरेला, एक इसको स्पेस एल्गी भी कहते हैं, हरा शैवाल है क्लोरेला, स्पेस एल्गी इसको बोलते हैं। देखिए, स्पेस एल्गी बोलने का कारण है क्योंकि इसको जब अंतरिक्ष वगैरह में जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स, तो ये एज ए क्या करते हैं, इसको फूड इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, इसको आप लिख सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कहेंगे इसको प्रोटीन रिच होता है। क्या होता है? प्रोटीन रिच होता है, इसमें प्रोटीन अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है। चलिए वरा आगे चलते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि फोटोसिंथेसिस का जो फर्स्ट पार्ट था, मींस लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन का जितना भी बाई प्रोडक्ट बना था एनर्जी, उस एनर्जी को हम कार्बन डाइऑक्साइड के क्या, कार्बोक्सीलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन में लगाएंगे, जिसके का द्वारा हमको, जिसके बाद क्या मिलेगा हमको, ग्लूकोज मिलेगा। आइए देखते हैं। देखिए, जो डार्क रिएक्शन होता है, डार्क रिएक्शन में एक 5 कार्बन श्रृंखला की शुगर होती है, जिसे हम राइबुलोज बाईफॉस्फेट कहते हैं। राइबुलोज बाईफॉस्फेट है क्या? राइबुलोज बाईफॉस्फेट, जैसे आपने पेंटोज शर्करा का नाम सुना है, कौन? डीऑक्सीराइबोज शर्करा में जो शर्करा होता है, मींस राइबोज शर्करा, वो भी पाए, वो भी क्या है, 5 कार्बन शर्करा है। 5 कार्बन अणु का क्या है, एक शर्करा है। उसी तरह से उसका एक क्या है, राइबुलोज बाईफॉस्फेट, उसी का आइसोमर है। जैसे ग्लूकोज का होता है फ्रक्टोज, वैसे राइबोज का होता है राइबुलोज। ये राइबुलोज क्या करेगा, ये ग्राही होता है। ये क्या है, इसको हम ग्राही कह सकते हैं। क्यों ग्राही कहेंगे? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव करेगा। याद रखेंगे, इस पूरी प्रक्रिया में एक विशेष प्रकार का एंजाइम लगता है, जिसका नाम है रूबिस्को। इस रूबिस्को का जो सी और ओ हम यहाँ लिख दे रहे हैं, सी और ओ, इसका मतलब क्या होता है, रूबिस्को का पूरा काम यही इसी में छुपा है, कार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीजनेशन। अगर इसका पूरा नाम देखें तो राइबुलोज बाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, मतलब जब एटमोस्फियर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ये क्या करेंगे, कार्बोक्सिलेशन करेंगे, और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी तो ऑक्सीजनेशन करेंगे, ठीक है ना। कार्बोक्सिलेशन कर रहे हैं तो यहां हमको सिर्फ कार्बोक्सिलेशन से मतलब है। अब जरा देखते हैं कार्बोक्सिलेशन क्या होता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विथ एनी मॉलिक्यूल्स। तो यहां पर एनी मॉलिक्यूल्स का मतलब RuBP के साथ,
अब ये क्या करेंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है रूबिस्को आरयूबीपी के साथ जोड़ करके पहला फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड को हम पीजीए कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। अब ये पीजीए होने के कारण इसमें क्या होंगे, इसमें क्या होंगे, पीजीए कहेंगे हम इसको। पीजीए का मतलब क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसका क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। अब देखिए इसका जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है ये कितने कार्बन के अणु है, तीन कार्बन के, और ये कितने कार्बन के अणु है, पांच, और एक यहां से आ गया छह। तो कितने मॉलिक्यूल्स, मतलब दो अणु बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा। देखिए हमने अभी आपको बताया कि इस साइकिल को हम सी थ्री साइकिल कहते हैं। सी थ्री साइकिल कहने का मतलब जो इसमें फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है उस कंपाउंड कितने कार्बन का है, तो वो कंपाउंड कितने कार्बन का है, तीन कार्बन का। अब हम आगे देखेंगे कि ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में हम एटीपी डालेंगे। अब कहेंगे एटीपी आएगा कहां से, तो लाइट रिएक्शन को देख लीजिएगा, वहां से ये क्लियर हो जाएगा। हम अब क्योंकि दो मॉलिक्यूल लिए हैं तो दो एटीपी डालेंगे। अब ये जो एटीपी में से फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप किसके साथ जुड़ जाएगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ, तो इसका नाम बदल जाएगा। एक देखिए, एक ऑलरेडी इस पे है फॉस्फेट ग्रुप, एक और आ जाएगा, तो दो हो गए। तो एक होगा कार्बन नंबर कितने पे, एक पे, और एक होगा कार्बन नंबर तीन पे, तो इसका नाम होगा, कार्बन नंबर एक पर एक है, एक कार्बन नंबर तीन पर है, तो इसका नाम होगा 1,3, 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देखिए जब आईयूपीएससी नामनक्लेचर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो कार्बन की मतलब जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फॉस्फेट ग्रुप किस कार्बन पर लगे हुए हैं ये बता रहा है। 1,3 मतलब एक का एक कार्बन पर एक फॉस्फेट लगा है, दूसरे मतलब तीसरे कार्बन पर एक फॉस्फेट, ठीक है। अब देखिए एक बेसिक केमिस्ट्री का टर्म होता है जिसको हम कहते हैं कि जैसे हम एल्डिहाइड को बदलेंगे तो कीटोन में बदलेगा, एसिड को बदलेंगे तो एल्डिहाइड में बदलेगा, ठीक है ना। ये बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टर्म है, इसको आप जानते हैं। देखिए अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम जब एल्डिहाइड को बदले सॉरी जब हम एसिड को बदलेंगे तो एल्डिहाइड में बदलेगा। तो देखिए यहां पर फिर हम क्या डालेंगे, एक रिडक्शन एंजाइम है इस, ये भी कहां बनेगा, ये भी आपके बनेंगे कहां पर, आपके जो लाइट रिएक्शन है उसी फर्स्ट में। तो हम इनमें डालेंगे क्या, NADPH+ हाइड्रोजन आयंस, तो ये क्या देगा हमको, अब क्योंकि दो ही मॉलिक्यूल है तो दो ही मॉलिक्यूल हमें इसमें क्या करना है, डालना है। तो ये क्या देंगे, ये हमको देंगे कि NADP। तो NADP का पूरा नाम, NAD का पूरा नाम निकोटिनामाइड एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड होता है, फॉस्फेट ग्रुप इसमें जुड़ा है। अब देखिए एक फॉस, अब क्योंकि हम यहां पर दो दो अणु लेकर चल रहे हैं क्योंकि यहां पर क्या हुआ है, दो अणु हैं, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है इसको हम थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। अब यहां पर थ्री ग्लिसरल्डिया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहां पर क्या हो गया, निकल गया। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का मतलब होता है अकार्बनिक, कार्बनिक फास्फोरस, अकार्बनिक फास्फोरस, ये अकार्बनिक फास्फोरस है, आईपी इसको इनऑर्गेनिक फास्फेट कहते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर तीन तीन कार्बन के कंपाउंड, तो दो मॉलिक्यूल बनेंगे, तो यहां पर भी कितने अणु हो जाएंगे, दो मोल, मॉलिक्यूल, मोल का फॉर्म यहां पर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं मॉलिक्यूल। अब देखिए अब यहां से बात थोड़ा सा समझना है, हमने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि इनमें तीन प्रक्रियाएं होती हैं, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन और रीजनरेशन। तो देखिए कार्बोक्सिलेशन किसका, आरयूबीपी का, रीजनरेशन किसका, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का, किसमें, फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। रिडक्शन का मतलब क्या होना, ब्रेक होकर के किसी और रूप में टूट जाना, रिड्यूस हो जाना। अब देखिए थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, दो मॉलिक्यूल तो तीन दुनी छह, कितना हुआ, छह कार्बन हुए, तो छह कार्बन में से एक कार्बन ग्लूकोज बनाने के लिए कहाँ चला आएगा, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में, जो एक ग्लूकोज का भी मैंने वीडियो डाल के रखा है उसको देखेंगे। जब आप ग्लूकोज से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज से 1,6 बाई फॉस्फेट, ऐसे करके फिर नीचे आएंगे तो वहां पर आपको ग्लाइको रिवर्सल मतलब
पूरा एकदम नीचे मत जाइए, आधे पर से फिर ग्लूकोज को वापस कर लीजिए, क्योंकि जो ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया क्या होता है कि ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया रिवर्सिबल होता है, ठीक है ना। अब देखेंगे तो ग्लूकोज बन गया, अब देखिए एक कार्बन मॉलिक्यूल यहां चला आया, ठीक है, तो बचे कितने, पांच कार्बन। अब आपको C3 साइकिल कंटिन्यू करने के लिए, ताकि हमारा जो C3 साइकिल है वो बार बार चले, बार बार चले, तो इसके लिए हमें क्या करना है, RUBP को फिर से प्रोड्यूस करना है। इसको हम क्या करेंगे, फिर से प्रोड्यूस करेंगे, इसका उत्पाद करेंगे। अब अगर उत्पाद नहीं होगा तो क्या होगा, फिर से C3 साइकिल नहीं चलेगा, तो क्या करेंगे, एक कार्बन यहां है और छह और पांच कार्बन कहां चले जाएंगे, यहां पर। अब देखिए इसका नाम क्या है, राइबुलोज बाइफॉस्फेट। तो राइबुलोज बाइफॉस्फेट में क्या करेंगे, एक ATP यहां भी लगेगा, तो फॉस्फेट इसका नाम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पूरी प्रक्रिया याद रखेंगे। यहां पर देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, कि एक बार केल्विन चक्र को चलने में ग्लूकोज का सिर्फ एक ही एक कार्बन बनेगा। तो ग्लूकोज में कितने होते हैं आपको पता है, ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है, यही होता है। तो एक ही कार्बन आया है, तो अभी कितने आने हैं, पांच और आना है। तो यहां पर क्या कर दिया जाएगा, मतलब जो केल्विन चक्र है वो एक ग्लूकोज अणु बनाने में कितनी बार चलाना पड़ेगा, छह बार। कितनी बार, छह बार, क्योंकि यहां पर कितने कार्बन है, छह कार्बन, और एक ग्लाइकोलिसिस के चलने सॉरी एक केल्विन चक्र के चलने से कितने कार्बन बनते हैं, एक ही ग्लूकोज के एक कार्बन बनेगा। तो ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो गई। आगे देखेंगे आगे क्या होता है। अब देखिए ये पूरी प्रक्रिया जब हो जाएगी, तो अब हम थोड़ा सा इसको क्या करेंगे, इसका जो इसमें कितना ATP लग रहा है, कितना ADP लग रहा है, हम इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितना, एक बार चलने में कितना, दो यहां तीन, तीन हो गया, तो तीन छह बार चलेगा, तो 6 × 3 = 18 हो गया, मतलब ATP, 18 ATP लगेगा, किसमें, एक बार ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में, सॉरी ग्लाइकोलिसिस नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, केल्विन चक्र या डार्क रिएक्शन कहेंगे। तो डायरेक्ट कितना ATP लगा है, डायरेक्ट इसमें 18 ATP लगा है। अब जरा देखते हैं ये कितना लगा है, ये मतलब एक बार चलने में दो, तो टोटल कितना होगा, 18। अब देखिए 18, ये तो आपको पता ये होना चाहिए कि एक NADP, एक NADPH+ हाइड्रोजन आयन से कितने ATP के मॉलिक्यूल बनेंगे, ये बनेगा टोटल ATP का जो मॉलिक्यूल है वो तीन बनेगा, तीन ATP बनेंगे। इसको जब हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिड्यूस करेंगे तो कितना बना, 18, मतलब ये कितने बन जाएंगे, 12। तो अगर आप ये 12 बना, तो जोड़िए जरा इसको कितना हुआ, 12 में 3 का गुणा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 36, और 36 में 18 जोड़ेंगे तो, 36 में 18 जोड़ेंगे तो 8 × 8 = 14 हासिल लगा, 1 और 3 × 4 = 5, मतलब 54 ATP यूज होगा किसमें, एक ग्लूकोज के अणु को बनाने में, ठीक है। तो इसको देखते रहिए ऐसे ही, आगे फिर मिलते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब चलेंगे फिर केल्विन चक्र को लेकर के, हो गया केल्विन चक्र, इसके बाद देखेंगे क्रेप साइकिल वगैरह। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।